दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट और स्ट्रिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है काफी बेसिक लेवल का है और आपको दिख भी रहा होगा काफी बेसिक है, लेकिन कई बार बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसका जो इनबिल्ट फंक्शन है सॉल्ट सॉल्ट का यूज करते हैं और सॉल्व कर देते हैं, लेकिन जब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है नहीं आपको इनबिल्ट फंक्शन का यूज नहीं करना है, तो बहुत सारे लोगों की बेंड बच जाती है। हमें क्या करना है, हमारे पास एक लोअर केस लेटर्स वाला एक स्ट्रिंग दिया गया है, हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली सॉर्ट कर देना है। तो देखो, जो सबसे नाइव अप्रोच है और जो इंटरव्यू में सबकी बेंड बजा देती है वो हमारा है क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करने वाला। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट जो सॉर्ट फंक्शन है सॉर्ट एस डॉट बिगिन, मतलब जो स्ट्रिंग है उसको शुरू से लेकर स्ट्रिंग डॉट एंड, इसको लिख देते हैं और हमारा काम तो हो जाता है, हमारा जो स्ट्रिंग है शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन जब आपसे इंटरव्यूअर बोलेगा नहीं यार तुम्हें इनबिल्ट फंक्शन का यूज नहीं करना है, तब कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग दिया गया है ई डी सी ए बी, हमें क्या करना है इसको शॉर्ट कर देना है, ए बी सी डी ई बना देना है। तो चलो मैं आपको काफी बेहतर तरीका से बताता हूँ ताकि चीजें आपको हमेशा के लिए समझ आ जाए। तो आपको एक चीज पता होगा, जो टोटल नंबर्स ऑफ अल्फाबेट है इंग्लिश में कितने हैं, 26। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, 26। तो अगर मैं 26 साइज का एक एरे बना लूं, 26 साइज का एक एरे, और उसमें हर एक एलिमेंट को मैं रख दूं, मतलब हर एक अल्फाबेट को, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, मैं मान लेता हूँ इसका इंडेक्स वैल्यू लास्ट वाला का 25 होगा, ये होगा 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ होगा ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे ही जाएगा हमारा एक जेड रहेगा। हमने क्या किया है, एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया है 26 साइज का, क्योंकि हमें पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में 26 होते हैं। तो हमने क्या किया है, एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया है, सबका इंडेक्स वैल्यू दे दिया है और उस हर एक इंडेक्स का कुछ वैल्यू दे दिया, जैसे यहाँ ए है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें काउंट करूंगा कि कौन सा एलिमेंट कितना बार आया है। तो मैं देख रहा हूँ ई कितना बड़ा है, इसमें ए कितना बड़ा है, 1 बार, और सबको पहले मैं 0 से इनिशियलाइज कर लूंगा। पहले मैंने क्या किया, सबको 0 से इनिशियलाइज कर लिया है, कि मतलब मान लेता हूँ सबसे पहले हर एक एलिमेंट एक बार भी नहीं है, ठीक। तो अब सवाल है कि जो ई है, ई एक कितना बड़ा है इस स्ट्रिंग में, मैं काउंट कैसे करूंगा। मुझे तो यहाँ दिख रहा है कि जो ई है एक बड़ा है, तो मैं कैसे काउंट करूंगा कि एक बड़ा है। तो देखो मैं क्या करूंगा, जो ई है ई, इसमें से जो हमारा ए है, ए का जो स्काई वैल्यू उसको माइनस कर दूंगा, तो मैं ई के फ्रीक्वेंसी को काउंट कर पाऊंगा। तो देखो तुम्हें पता होगा कि जो ए है इसका स्काई वैल्यू 97 होता है, फिर 98, 99, 100, 101, ये होता है बी का, सी का, डी का और ई का। ई का कितना होता है, 101। तो अगर मैं 101 में से जो ए का स्काई वैल्यू है, मतलब 97, अगर मैं माइनस कर दूँ कितना बचेगा, 4, 4। तो अगर मैं 4 इंडेक्स वैल्यू पर जाऊंगा, तो 0 1 2 3 4 इंडेक्स वैल्यू पे जाऊंगा, तो क्या बचा है, ई बचा है। तो मैं ई का फ्रीक्वेंसी नहीं काउंट कर लूंगा, हाँ कर लूंगा, तो इसके फ्रीक्वेंसी को मैं बढ़ा कितना कर दूंगा, 1, कि 1 बढ़ा है, ठीक है। वैसे ही मैं डी के लिए करूंगा, डी का फ्रीक्वेंसी काउंट करूंगा, डी में से ए का स्काई वैल्यू माइनस करूंगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, तो डी का कितना हो जाएगा, ए भी 1 बढ़ा है। वैसे ही सी, सी भी 1 बढ़ा है। वैसे ही ए, ए भी 1 बढ़ आया है। वैसे ही बी, बी भी 1 बढ़ आया है। अब देखो हमने क्या किया है, जो भी स्ट्रिंग दिया गया है उसका फ्रीक्वेंसी मैं काउंट कर लूंगा एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाकर। अब मैं क्या करूंगा, यहां से लेकर यहां तक ट्रावर्स करूंगा, मतलब 0 से लेकर 25 तक ट्रावर्स करूंगा और देखूंगा कौन कितना बड़ा है। तो मैं देख रहा हूँ 1 कितना बड़ा है, 1 एक बड़ा है, तो एक बार लिख दूंगा, एक आंसर बना लूंगा जिसमें इसको स्टोर करूंगा। एक जो ए है 1 बड़ा है, ठीक है, जो बी है कितना बड़ा है, 1 बड़ा, तो एक बार बी लिख दो। जो सी है कितना बड़ा है, एक बार, तो एक बार सी लिख दो। जो डी है कितना बड़ा है, एक बार, तो एक बार डी लिख दो। जो ई है कितना बड़ा है, एक बार, तो एक बार क्या लिखना है, ई। और जो एफ है कितना बड़ा है, 0 बार, तो कुछ नहीं लिखना है। तो मतलब जितना बार जो आया है उसको उतना बार लिख देना है। सपोज करो कि ए का फ्रीक्वेंसी यहाँ 3 है, मतलब ए 3 बार आया, तो पहले ए 3 बार लिखो। सपोज कर लो यहाँ डी 2 बार आया, तो फिर यहाँ बी लिखो, यहाँ सी लिखो, फिर डी 2 बार लिखो और फिर ई लिखो। इससे क्या होगा कि देखो जो हमारे पास स्ट्रिंग दिया है, स्ट्रिंग जैसे यहाँ लिख लेता हूँ, जैसे ए बी सी ई एफ जी जी ए ए, ऐसा दिया है, तो मैं हर एक जो एलिमेंट है इसका फ्रीक्वेंसी काउंट कर लूंगा। क्योंकि काउंट करूंगा तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में काउंट हुआ मिलेगा,
और उसके बाद जो जितना बार आया है उसको उतना बार अपेंड कर दूंगा आंसर में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा, जितना स्ट्रिंग दिया उसके साइज तक मैं ट्रैवर्स करना पड़ेगा। अगर साइज इसका एन है तो वो अपेन हो जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, वो ऑफ वन, क्योंकि यार मैं एक एरे बना रहा हूँ 26 साइज का जो एक फिक्स्ड साइज है, तो कंस्टेंट एक्टा स्पेस हो जाएगा। तो चलो मैं तुम्हें सॉल्यूशन दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें कुछ आता ही नहीं है तो तुम ऐसे भी बता सकते हो, शॉर्ट फंक्शन का यूज करोगे हो जाएगा। ये हमारा जावा में क्या करोगे, एक कैरेक्टर एरे बना लोगे इस फंक्शन का यूज करके, टू कैर एरे, और फिर इसको शॉर्ट कर दोगे और रिटर्न कर दोगे। लेकिन इंटरव्यू बोलेगा नहीं यार ऐसे थोड़ी होता है, तुम्हें बताना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे, एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लोगे जिसमें हर एक एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी पहले 0 है, और फिर उसको ट्रैवर्स करोगे, और उस जो हमारा एलिमेंट है उसमें से एक है स्काई वैल्यू को माइनस करोगे और इसके फ्रीक्वेंसी तुम काउंट कर लोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, एक आंसर एरे बनाओगे और 0 से लेकर 26 तक तुम्हें ट्रैवर्स करना है, और जिसका फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है उसके फ्रीक्वेंसी को कम करते जाना है, और फिर आंसर में उसको अपेंड करते जाना है, और लास्ट में आंसर रिटर्न कर देना है। तो यही चीज़ मैंने आपको तो बताया है, ओ ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन। सेम टू सेम यही कोड जावा में देखने को मिलेगा, कुछ भी दूसरा नहीं है। एक हमने एरे बनाया है 26 साइज का जिसको सबसे 0 से भर दिया है, और फिर हमने उस एलिमेंट के फ्रीक्वेंसी को काउंट किया है, उस एलिमेंट से जो ए है मतलब जो ए का स्काई वैल्यू है उसको माइनस कर दिया है, फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लिया है, और फिर यहाँ तक ट्रैवर्स किया है और इसको कर दिया। तो चलो मैं तुम्हें कोड दिखाता हूँ रन करके। उससे पहले यार अगर तुम डेटा स्ट्रक्चर्स का हैंड रिटन नोट चाहते हो किसी भी लैंग्वेज में, तो तुम इस लिंक पर जाकर ले सकते हो, या फिर तुम चाहते हो नहीं यार मुझे तो वीडियो से ही समझ में आएगा, तो तुम जीएफटी के इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। डीएसए का काफी बेस्ट कोर्स है, मैंने खुद परचेज किया हुआ है। अगर तुम इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो तुम्हें 600 का एडिशनल डिस्काउंट अभी मिलेगा, नहीं तो अगर बाद में तुम करोगे तो तुम्हें 400 रुपया का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, तुम जाकर उसको ले सकते हो। तो चलो मैं तुम्हें कोड रन करके दिखाता हूँ ताकि चीजें समझ में आए और पता चले हाँ हमने कोड को रन किया। तो ये हमारा C++ का सोल्यूशन है जो हमने बताया है। मैं सिंपली इसको सबमिट पर क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैं सबमिट करूंगा थोड़ा सा लेता है टाइम, और एक जो कोड है सबमिट हो जाएगा। मुझे रिफ्रेश करना पड़ जाएगा, शायद लॉग आउट हो चुका है, तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा मुझे फिर से लॉग इन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लॉग इन कर लेता हूँ। और लॉग इन करने के बाद मैं क्या करूँगा, हमारा एक कोड अभी आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इंटरनेट काफ़ी यहाँ स्लो है, ठीक है। तुम्हारा एक कोड आ गया, मैं क्या करूँगा इसको सबमिट कर दूँगा। हमने काफ़ी बार इसको रन करके देखा है। तुम यार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि काफ़ी एफर्ट से वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। और रोहित नेगी भैया का जो डीएसए सीट है इसको हम लोग काफ़ी बेहतरीन तरीका सॉल्व कर पा रहे हैं, C++ और जावा दोनों लैंग्वेज में। ये हमारा जावा का कोड है, मैं सिंपली इसको भी सबमिट कर दूंगा। कोई डाउट हो तुम कमेंट कर सकते हो, कुछ सुझाव देना हो दे सकते हो, और अपने दोस्तों और कॉलेज के ग्रुप में शेयर करना तो बहुत जरूरी है, तो प्लीज शेयर भी कर दो। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ धमाकेदार वीडियो के साथ। टेस्ट केस यहाँ रुक क्यों गया, मैं एक बार इसको भगाता हूँ और फिर से मैं रन करता हूँ। कभी कभी इसका जो मैं क्या करूँ, इसे सबमिट करूंगा, अभी क्यों मैं दिखा रहा है, ठीक है। कभी कभी जीएफटी का जो कंपाइलर है काफी स्लो काम करता है इंटरनेट तेजी से नहीं चलने की वजह से, ठीक है। इतना पर आके रुक क्यों जा रहा है, मुझे एक बार देखो। कोड बिल्कुल सही है, मैं क्या तुम्हें करूंगा, मैं देखो यहाँ सबमिट पर जाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा। देखो हमने जावा कोड यहाँ सबमिट में रहा होगा, करेक्ट यही कोड है। तो तुम कोड यहाँ से देख लो अच्छे से और एक्सप्लेन कर लो, मैं चलता हूँ, इस वीडियो को रखता हूँ। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।